एक बड़ी सौगात मिली है, जहां मंत्रियों और विधायक व कई नेताओं की मौजूदगी में बनने वाले 5 करोड़ की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। सांवेर नगर में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन मंत्री उषा ठाकुर, मंत्री तुलसीराम सिलावट व भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर सहित कई नेताओं की मौजूदगी में हुआ, जहां एक आयोजन भी रखा गया जिसमें बनने वाले भवन के भूमि पूजन के साथ ही संजीवनी वाहन भी सांवेर को मिले। करीब 5 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने संबोधित करते हुए शिवराज सरकार को आमजन की सरकार बताया और भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की, साथ ही अन्य विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। सांवेर से जीतू माथुर की रिपोर्ट। विधायक रहते आपने जो बहुत सारे वादे किए थे वो आज पूरे होते नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ कई विकास कार्य हो रहा है, तो इसमें क्या मतलब लोगों को बताना चाहिए? निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता की बात है। विधायक रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांवेर की जनता से जो विकास के वादे किए वो वादे उस समय हमने पूरा किए। 15 महीने का एक अवरोध ब्रेकडाउन आ गया था और वो अब अवरोध खत्म हो गया है, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सिलावट जी हमारे मंत्री हैं, सिलावट जी के अंतर्गत जो सब काम हो रहे हैं, जो अपेक्षा में आपकी जानकारी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से की और सब कुछ हो रहा है, काम अच्छे हो रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़ भाजपा में भी आ रहे लोग, ये तो निरंतर पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यक्रम मिशन है जिसमें कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। मुझे लगता है कि शायद ये चुनाव का अभी 2 से 2.5 महीने का समय है, 2-2.5 महीने आते आते ऐसे तो जाएगी कि कांग्रेस से कार्यकर्ता को भरने के लिए हमको इनाम घोषित करना पड़ेगा। कांग्रेस ही बताओ 1,000 रुपये खाओ, पूरा मरणासन स्थिति में आ गई है कांग्रेस। कांग्रेस की जो हम उठाने के लिए कार्यकर्ता को कंधा नहीं मिलने वाला है।